साथियों भारत दस्तक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों ये वीडियो था भोपाल के इकबाल मैदान का, जहाँ पे भारत मुक्ति मोर्चा का बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वीएल मातंग साहब ने की थी, जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथियों मैं भी इस कार्यक्रम में गया था और मुझे वहां पर जाकर बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, जहां भी ऐसे कार्यक्रम हो जो अपने समाज के हो, बहुजन समाज के हो, वहां पर आप सभी को जाना चाहिए। वहां पर आपको अपने इतिहास और बहुत कुछ जानने को मिलता है। साथियों मैं भोपाल के इकबाल मैदान की आपको कुछ क्लिप दिखाना चाहता हूँ। वहां पर किस तरह लोगों में उत्साह था, वहां पर किस तरह समर्थक जुड़े थे और किस तरह साहब वीएल मातंग को सुन रहे थे और बाकी वक्ताओं को सुना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यात्रा की अलग जगह है ये ईवीएम मशीन के खिलाफ और बैलेट पेपर के फेवर में है। मैं कोई भाषण तो यहाँ दूंगा नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं अपने भाइयों से, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से करना चाहता हूँ। और फिर बैठकर टेलीविजन पर उसके सीन दिखाए जाते हैं, वीडियो चलाए जाते हैं, ये क्या हो रहा है? अगर निचले दबे कुचलों को दबे कुचलों से आपस में लड़ाते रहो और बैठकर उसके सीन देखकर खुश होते रहो, अपनी सत्ता पर बैठे रहो, ये नीचे आपस में लड़ते रहेंगे और आप बचे रहेंगे। पहले पुराने नेहरू ने काजरोलकर को खड़ा कर दिया और उस समय कैंडिडेट की मर्यादा थी 2000, केवल 2000 रुपये, 25,000 रुपया दिया। अंबेडकर चुनाव नहीं जीतना चाहिए। अरे पहले चुनाव में आप लोगों ने पैसे का इस्तेमाल किया, पहले चुनाव में जाति का इस्तेमाल किया, निष्पक्ष चुनाव शुरू से हुआ ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए इस्तीफा दिया मैनिफेस्टो में 340 का पहले चुनाव में, और पहले चुनाव का रिजल्ट 24 जनवरी 1952 में आया था। जब दूसरा चुनाव होने वाला था 57 में, जनवरी 57 में होने वाला था, तो उससे पहले दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी रास्ते से हटा दिया। देश में विरोध पक्ष कहां है? कहां है विरोध पक्ष? डेमोक्रेसी में विरोध पक्ष होता है, कहां है विरोध पक्ष? और 57 चुनाव के बाद 5 साल मिला दो 62 आता है, तो भारत चीन का युद्ध करवा दिया। उसके बाद 5 साल मिला दो 67 के चुनाव से पहले 65 का भारत पाकिस्तान का युद्ध करवा दिया। उसके बाद 5 साल मिला दो 67 में 5 साल मिला दो तो 72 आता है, तो 71 में भारत बांग्लादेश का युद्ध करवा दिया। चुनाव कैसे जीतते हैं बता रहा हूं, निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं आज तक भारत में। अरे उन लोगों ने जिनकी व्यवस्था है उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुरूप सबसे बड़े पद का इस्तेमाल कर लिया है। राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है। मैं राष्ट्रपति के पद की गरिमा का बिल्कुल ध्यान करता हूं। मैं उस जिन्होंने बनाया, राष्ट्रपति जिन्होंने बनाया उनके बारे में बता रहा हूं, जिन्होंने राष्ट्रपति बनाया उनके बारे में बता रहा हूं, उनकी मानसिकता के बारे में। इसका मतलब मैं राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहा हूं। जब सुभाष चंद्र बोस को हटाया रास्ते से, कायस्थों में प्रतिक्रिया ना हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, मुसलमानों का गुस्सा ठंडा करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया, और बांग्लादेश के वक्त मुसलमानों को ठंडा करने के लिए फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति बनाया, और सिखों का कत्लेआम हुआ, सिखों का गुस्सा ठंडा करने के लिए ज्ञानी चेत सिंह को राष्ट्रपति बनाया, और गोधरा कांड में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, फिर मुसलमानों को ठंडा करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। और आज शेड्यूल कास्ट की पिटाई हो रही है, अन्याय अत्याचार होता है, रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया हुआ है। जो हम बताते हैं वो किताबों में मिलेगा नहीं, और कोई किसकी औकात भी नहीं है बताने की, औकात भी नहीं है बताने की। और उसके बाद 71 के बांग्लादेश के बाद, युद्ध के बाद इमरजेंसी लागू होती है, और इमरजेंसी लागू होती है
इंदिरा गांधी हार गई थी। ओबीसी के लोगों ने उन्हें झांसा दिया कि मंदिर को लागू, कलेक्टर कमीशन को लागू करेंगे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गया, मोरारजी देसाई चला गया, और उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी 80 में प्रधानमंत्री बनी, तो 80 से 85 के बीच में खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान हो गया। देश की अखंडता खतरे में है। उसके बाद खालिस्तान की वजह से इंदिरा गांधी मारी गई, राजीव गांधी राष्ट्रपति बन गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया। और ओबीसी के लोगों ने, जागृत ओबीसी के लोगों ने राजीव गांधी को हटाया, वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था, और वीपी सिंह को बीजेपी ने हटाकर देश की राजनीति को टर्निंग पॉइंट दे दिया, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा दिया। साथियों, मैं आपसे लास्ट में यही गुजारिश करूंगा, अगर आप भी बहुजन समाज के व्यक्ति हैं, तो आपको बहुजन समाज के हर कार्यक्रम में जाना चाहिए। वहां पर जाने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अपने इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। तो आप सभी जाइएगा, अगर आप सभी जाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस किस कार्यक्रम में लेटेस्ट गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथियों, भोजन समाज की खबर सबसे पहले पाने के लिए और क्या क्या भोजन समाज में चल रहा है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या भोजन समाज की अचीवमेंट है सब कुछ आपको सिर्फ इस चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है, उसे दबा के हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। जय भीम, जय भारत। सब्सक्राइब करिए भारत दस्तक को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।